नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और शायद एग्जैक्टली 26 दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ। आज 26 मार्च, होली से अगला दिन। एक बार तो सबको हैप्पी होली, और आप में से कुछ लोगों को शायद पता चल गया था और बाकी लोग सोच रहे थे जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं कि सर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे आजकल। तो मैंने एक कैजुअल वीडियो बनाया था बिकॉज एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सबको देना चाहता था। तो ड्यूरिंग माई लास्ट ट्रिप, जो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे उदयपुर और जयपुर के, सो आई हैड अ मेजर रोड एक्सीडेंट। मतलब मैं तो खाना खाने के बाद रोड पे वॉक कर रहा था बहुत सिंपली, और एक स्कूटी जो कि एक 9:30-9:30 बजे का टाइम था रात का, और दैट वॉज ड्रिवन बाय अ ड्रंकर्ड पर्सन, उसने बहुत ज़ोर से मेरे लेफ्ट नी के नीचे मारा जिससे कि बोन ब्रेक हो गई, हड्डी टूट गई और प्रॉपर उसकी सर्जरी हुई। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर मी एवरीथिंग इज़ ए लर्निंग, राइट? तो पहले तो आपके लिए लर्निंग क्या है। और मैं हमेशा जो तारीफ़ करता हूँ राजस्थान की, तो जब मैं रात को 9:15 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं जैसा आप जानते हैं टूर पे था, और लोगों ने ही एम्बुलेंस बुला ली और वो एम्बुलेंस मुझे ले गई एक नियर बाई हॉस्पिटल में, जो राजस्थान में रूल है, और वो हॉस्पिटल था जयपुर ये हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जयपुर का, उसमें हमारी चॉइस नहीं होती है। और रात को जब मैं वहाँ 10 बजे गया तो भी वहाँ पर, जैसा मैंने कहा, कुछ पेशेंट थे जो कि आप उम्मीद करते ही हो, लेकिन उनके पास कोई एक्सरे लेने की सुविधा नहीं थी। तो डॉक्टर्स थे एमरजेंसी में, और वो जो हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फ़ायदा रहता है कि आपको पेशेंट देखने को मिलते हैं, मैं भी तो भी पेशेंट था ना। और उसके बाद जब क्लियर हो गया कि भाई लंबा काम है, सर्जरी होगी, और मैं नहीं चाहता था, तो आई जस्ट कॉल्ड अप अ टैक्सी और मैं खुद जयपुर से दिल्ली आ गया था। फिर मैंने अपना सारा ट्रीटमेंट दिल्ली में ही कराया, और जैसा कि हम जानते ही हैं, आई ऑल्सो कॉल्ड एंड फाइंड आउट द बेस्ट ऑर्थो इन आवर लिमिटेड नेटवर्क, और फिर बेस्ट ऑर्थो से ही मैंने अपनी सर्जरी कराई, क्योंकि पूरी सर्जरी हो गई है, प्लेट और वो जो कहते हैं ना पेच लगे हैं। और 19 तारीख को टाके कटे, और उसके बाद अब धीरे धीरे रिकवरी चल रही है। आई एम होप दैट बाय अप्रैल मिड आई वुड बी एबल टू स्टार्ट वॉकिंग एंड रोमिंग अराउंड। बट हाँ, शायद अब इस नीट से पहले मैं और आपके लिए कॉलेजेस के वीडियोस नहीं दे पाऊँगा, जबकि पुराने मेरे हैं ही। वेरी फ्रेंकली, मेरे पास मेरी 10 से 16 मार्च की टिकट्स बुक थी फॉर बंगाल ट्रिप, जिसे मैं आपको तकरीबन बंगाल के सारे कॉलेजेस दिखाना मिलवाना चाहता था, और फिर 22 से 28 की थी बिहार की टिकट्स, तो यही दो स्टेट्स हैं जो मैंने उतने शिद्दत से कवर नहीं किए थे आप लोगों के लिए, अदर दैन द टिपिकल साउथ इंडिया, विच एनी वे एज ए सेट कि एज मोस्ट ऑफ आवर माई व्यूअर्स आर नॉर्थ इंडियंस, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता ही हूँ कि अनलेस अनटिल बहुत ज़रूरी हो तो केरल तमिलनाडु तो जाना ही नहीं चाहिए, और इवन आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका में भी, अदर दैन दोज मेट्रो सिटीज़ लाइक विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वैन वी गो। और वो बात सच है, उस मैं अपनी थ्योरी पे अडिग हूँ, और वेरी रिसेंटली मेरे एक बड़ी क्लोज रिलेटिव भी केरल जो घूमने जाते ही हैं घूम के आई है, और सेम मैं उनसे हमेशा भी पूछता हूँ, हाउ डिड यू फाइंड द लैंग्वेज एंड द फूड इशू, एंड द बोथ इशूज़ आर प्रीटी रेलिवेंट। तो कोई 6 दिन में परेशान हो जाता है खाने को लेके, तो आप अपने 4.5 साल कैसे बिताओगे? ओके, सो फिर से मैं जो लर्निंग पे रहा था, आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग इज़, जो मैं तो खैर ध्यान रखते ही हूँ शुरू से ही, एज ए बिजनेसमैन, एज ए फैमिली पर्सन, आई नो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ वीडियो में कहने लायक है, बट आप में से काफ़ी लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मेरी एडवाइस को मानते हैं, और आई ऑलवेज से कि आई एम नॉट अ MBBS एजेंट और MBBS काउंसलर, आई एम अ करियर काउंसलर, एंड बिगर देन दैट आई एम अ लाइफ काउंसलर। तो यू नो, ये हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? हाउ डू यू प्लान अ बैकअप फॉर योरसेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो जस्ट टू टेल यू, एंड मैनी ऑफ यू नाउ नो माई एजुकेशन बैकग्राउंड ऑल्सो, एंड आई हैव बीन टू रियली टॉप 2 कॉलेजेस, और वहाँ पर शायद हमने सीखा था। और आज नहीं, टुडे आई एम 47, आज से 20 साल पहले व्हेन आई वाज ओनली 28 एंड एक्चुअली 30, लेट्स से व्हेन आई वाज मैरिड फॉर ओनली 2-3 ईयर्स, ऑल माई फिनंशियल थिंग्स कि मेरे पास क्या है, कहाँ है, बैंक अकाउंट्स, उनके यूज़र आईडी, पासवर्ड्स, दे ऑल आर रिटर्न एंड शेयर्ड विद
3-4 of my family members, so that if something bad happens suddenly, at least from the money and the financial perspective, it is not that na ki main gaya to mere saath wo sab bhi chala gaya. So different family members know, and they know that in case of that situation happens, तो एटलीस्ट आप उस डॉक्यूमेंट को खोल के जो कि हमेशा लाइव रखा जाता है, आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि किस बैंक में किस जगह पर कितनी प्रॉपर्टी है और कितने अकाउंट हैं. सेम थिंग आई थिंक आई ऑलवेज डू फॉर माय प्रोफेशनल वर्क. चाहे जब मैं वो पहले बड़ी जॉब्स करता रहा, पिछले 9 साल से जब मैं से ये अपनी कंपनी चला रहा हूँ जी के वर्स, तो फॉर ऑल माई क्लाइंट्स ऑल्सो आपको कभी घबराने चाहिए. आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी यूज़र आई डी पासवर्ड्स हैं, वी ऑलवेज क्रिएट एन एक्सेल एंड द एक्सेल इज शेयर्ड बाय ऑल माई टॉप टीम मेंबर्स. मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि MBBS इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो मैं आप लोगों से पर्सनली बात करता हूँ और पर्सनली आपका काम करता हूँ, बट वी ऑल्सो डू मैनी अदर थिंग्स लाइक स्टडी अब्रॉड, MBBS अब्रॉड एज यू नो, एंड इवन फॉर MBBS इंडिया वी मेंटेन ऑनलाइन एक्सेल with all your details, with all your user ID passwords, और जो भी अपने client होते हैं उनको जैसे ही मैं आपके लिए कुछ भी देख काम करता हूँ, immediately आपको आपका user ID password दे ही देता हूँ. हम हमेशा आपका email ID, mobile number use करते हैं, right? हमेशा. और फिर भी जो user ID password बनता है, जैसे हम नीट का बना या कर्नाटका का बना, वो हमेशा अपने clients को दे देते हैं. खुद भी जो रखते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मेरे पास है, it's actually in a online excel which have access to all my senior team members, including my wife, which is kind of my right hand in my business. और फिर से the logic is same. If anything happens to me, full time or short term, जो अभी हुआ कि short term के लिए मैं 15-20 दिन के लिए I was not that active, लेकिन आप लोगों का काम नहीं रोकना चाहिए. और ये आपके लिए शायद सबसे बड़ी learning है, जो मैंने तो खैर ले ही रखी थी, लेकिन शायद अपने एक्सीडेंट के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि काम कभी नहीं रुकना चाहिए. आपको हमेशा उस दिन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. और जो मेरे साथ हुआ, ट्रस्ट मी गाइस, यू नो आई एम गॉड गिफ्टेड एज वेल एज इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड. तभी मैं इंडिया के टॉप 2 कॉलेजेस में गया. कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी नया रूल आता है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड वेरी फास्ट. लेकिन understanding that the work that I do is very important for not myself or my family or my company to survive, it is also important for my clients, right? We take each and every of our client as ki hamare kaam se unki life ban rahi hai, aur main nahi chahta ki mere gadbad kaam se unka kaam, unki life, unka career kharab ho jaye. To hum planning uske hisab se chalte hain ki it's called risk mitigation. Ki सबसे बड़ी बात दिल में हमेशा ये रखना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. देयर कैन बी वन बैड डे. किसने सोचा था, आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे थे ना, उदयपुर के हमने दोबारा नहीं बनाए थे, पर गीतांजलि डेंटल का जो बनाया था, उसके बाद मैं जयपुर पहुंचा, ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के. 28 को आई वॉज इन जयपुर मीटिंग फ्यू पीपल, और 29 को आई वॉज सपोज टू कम बैक टू दिल्ली. होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा के आई जस्ट वेंट आउट फॉर अ वॉक. मैं बिल्कुल रोड के कोने में चल रहा था और पिए हुए आदमी ने मुझे स्कूटी से मार दिया. ऐसा हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है. ऐसा हादसा नीट वाले दिन हो सकता है. नीट वाले दिन पेपर ख़राब हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है, जेई एडवांस वाले दिन कुछ भी हो सकता है. तो देयर कैन बी इंसिडेंसेस विच कैन हैपन बियॉन्ड योर कंट्रोल. हाँ, वो बात बीच में रहेगी. तो आई एम जनरली अ वेरी वेरी केयरफुल पर्सन. मतलब आई ड्राइव अ स्कूटी ऑल्सो माई सेल्फ, छोटे मोटे मार्केटिंग काम के लिए. नेवर गो ओवर 50. आई ड्राइव कार, आई नेवर गो बियॉन्ड 80. दिल्ली से चंडीगढ़, जो कि एक बिल्कुल खाली सड़क है, उसमें भी कभी मैं जाता हूँ, आई नेवर ड्राइव बियॉन्ड 80. मतलब मैं हमेशा, आई वैल्यू माई लाइफ अ लॉट, लेट मी पुट इट दिस वे. आई वैल्यू माई हेल्थ अ लॉट. तो खाने पीने का ध्यान रखना, या जैसे अब सर्दियाँ गर्मियाँ आ भी गई हैं, बट अभी तक हमने AC स्विच ऑन नहीं करते हैं. मतलब ये वो चेंजिंग वेदर जिसको कहते हैं ना, कि तबीयत ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है. तो मतलब आई हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल. जितना हमारे हाथ में, बाल तोड़ गए क्योंकि वो तो बनियों के बस्ते नहीं है, बट अदर देन दैट व्हेन इट कम्स टू यू नो टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स, जनरली आई हैव बीन ओवर केयरफुल. मतलब मैं पंगे नहीं लेता. आई नेवर प्ले एनी एडवेंचर स्पोर्ट. कि भाई जिस जहाँ पर कहता जान का जरा सा भी 1-2% भी खतरा होता है या कुछ भी गड़बड़ होने का, मैं वो काम नहीं करता.
डरपोक कुछ ले नहीं, शायद जैसा मैंने कहा कि आई वैल्यू माई लाइफ, आई वैल्यू माई हेल्थ फॉर माई फैमिली, फॉर माई कंपनी, फॉर माई एम्प्लॉइज एंड फॉर माई क्लाइंट्स। और यही लर्निंग शायद मैं आपके से शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा मुझे हिलना पड़ा और आप मेरा बैकग्राउंड भी चेंज देख रहे हो, क्योंकि जो मेरी लोकेशन है मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, अभी भी टांग में वो चढ़ा हुआ है, नी ब्रेस बोलते हैं, तो मैं टेबल के दूसरी तरफ बैठा हुआ। दैट्स वाई यू आर चेंजिंग एंड लुकिंग एट अ डिफरेंट बैकग्राउंड। तो यही सबसे बड़ी लर्निंग है कि एक दिन का पेपर है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे वो सीयूटी हो, रियली टॉपर्स जिनके 98-95% हमेशा आते हैं, जिसके नीट में हमेशा 670-680 प्रैक्टिक उसमें प्रैक्टिस टेस्ट में आ रहे हैं, बट पेपर वाले दिन क्या गड़बड़ हो जाए, उस 3 घंटे के मोमेंट में क्या तबीयत ख़राब हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ऑलवेज बी केयरफुल, ऑलवेज हैव अ प्लान बी सी। जैसे मैंने कहा कि इन स्पाइट ऑफ बींग वेरी केयरफुल, मुझे कहना नहीं चाहिए, आई एम श्योर कि एटलीस्ट माई वाइफ विल लुक, शी विल फील वेरी बैड अगर मैं वीडियो में चीज़ें बोलूँ, बट मेकिंग दैट फिनेंशियल एक्सेल 20 ईयर्स बैक, इंश्योरिंग दैट, क्रिएटिंग दैट एक्सेल, यू नो, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद क्लाइंट्स, विद टीम मेम्बर्स एज मच एज पॉसिबल, जबकि उसका कभी नुकसान होता है, क्योंकि क्लाइंट्स हमसे सीख के खुद ही काम कर लेते हैं, टीम मेम्बर्स हमसे सीख के अपनी अपनी कंपनी खोल लेते हैं, बट वो भी मुझे चलता है। बट वट आई डोंट वॉन्ट कि किसी का काम कभी भी ख़राब हो जाए हमारी वजह से, मेरी वजह से। और आई थिंक यही हमें ध्यान रखना होता है, और यही वो चीज़ है जो शायद हम कभी भी नहीं सोचते लाइफ में, कि अ बैड डे, अ बैड मोमेंट, अनफोर्सिन इंस्टेंस कैन हैपन विद एनीबडी। और फिर से अगर मैं MBBS इंडिया काउंसलिंग की बात करूँ, सो ट्राई टू ऑलवेज अप्रोच पीपल, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हु आर यू नो वर्किंग प्रोफेशनली, वर्किंग लाइक ए कंपनी, जिसमें आपको पता है कि मैं डिपेंडेंट एक पर्सन पे तो हूँ, लेकिन उनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है, हमेशा काउंसलिंग सपोर्ट, मैं हमेशा कहता हूँ इसलिए लीजिए कि जो खुद से भी काउंसलिंग कर रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ, लेट से एक पेरेंट, एक मदर किसी घर में खुद काउंसलिंग देख रही है, और उस मदर के साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए नीट का रिजल्ट आने के बाद, जब काउंसलिंग का टाइम आए, तो फिर कैसे काउंसलिंग करोगे। तो वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए, ट्राई टू टेक एक्सटर्नल हेल्प ऑफ ए गुड प्रोफेशनल, और उसके हिसाब से आगे बढ़िए, खासकर जब भी लाइफ के क्रिटिकल डिसीजंस हैं। नीट काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स ऑफ लाइफ, सो इज़ GE काउंसलिंग, सो इज़ CUT एंड DU काउंसलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, IPU काउंसलिंग। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड यू नो इफ यू वॉन्ट टू अप्रोच अस, टॉक टू अस, 9643362320 इज़ अवर नंबर, द नंबर इज़ ऑल्सो रिटर्न इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड यू ऑल्सो नो दैट बींग अ प्रोफेशनल वी वैल्यू अवर टाइम, एंड वी आर एबल टू डू गुड वर्क फॉर अवर पेड क्लाइंट्स, बिकॉज वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम इन टॉकिंग टू पीपल हु डजेंट वॉन्ट टू पे अस, और हु डजेंट वैल्यू अवर क्वालिटी, एंड वी डू नॉट डू एनी टेलीकॉलिंग एंड ऑल दैट, राइट। तो हमसे बात करने की फ़ीस लगती है मिनिमम, और वही फ़ीस एडजस्ट हो जाती है जब आप हमारा फुल पैकेज भी लेते हैं, राइट। आप जानते ही हैं 2500 रुपये है फ़ोन काउंसलिंग के, 5000 रुपये हैं फेस टू फेस काउंसलिंग के, और जो हमारे 4 पैकेज हैं 30, 50, 75 हज़ार और 1.5 लाख रुपये, वो क्यों हैं उसका वीडियो भी हर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, होली ख़त्म हो चुकी है, आखिरी 1.5 महीना बचा है, 12th के एग्जाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं, सो आई होप सारे बच्चे अपना फाइनल जोर लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कीजिए, फाइनल जोर लगाइए, एंड फिर भी ऑलवेज हैव द प्लान बी रेडी फॉर वन बैड डे और वन बैड इंस्टेंस। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।